श्री गौरी मठ में जन्माष्टमी के मौके पर भव्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस बार गौरी मठ में 90वां जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह से रात तक श्री कृष्ण जी की रूप गुण लीला और माधुर्य की लगातार कीर्तन में वर्णन की जा रही है और आज भी यह लगातार चलेगी। आज कृष्णाष्टमी है और आज लगभग 35,000 श्रद्धालुओं के दर्शन और पूजन की संभावना है। श्री गौरी मठ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित, चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित और गौरी वैष्णवों द्वारा परिचालित वैष्णव आस्था और जन जन में शुद्ध कृष्ण भक्ति की चेतना जगाने का मूल केंद्र है। श्री गौरी मठ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर त्रिदिवसीय कार्यक्रम के पहले और दूसरे दिन हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ हुआ और आज भी सुबह से रात तक श्री कृष्ण जी के रूप गुण लीला माधुर्य के लगातार कीर्तन में चर्चा चल रही है। आज सुबह 8 बजे से 11 बजे तक माँ देव की गर्भस्तुति, ब्रह्म संहिता, दशावतार स्त्रोत का पाठ किया गया। यह तस्वीरें सीधे आपको गौरी मठ मंदिर से दिखाई जा रही हैं, जहां श्री गौरी मठ में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। गौरी मठ मंदिर में 19वें जन्माष्टमी को लेकर संपूर्ण मंदिर को लाइटिंग और सुगंधित फूलों से सजाया गया। आज श्री गौरी मठ में सुबह 5 बजे से 10 बजे तक, दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक, संध्या 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक, पुनः रात्रि 12:15 में जन्म आरती के समय श्रद्धालुओं को दर्शन मिल पाएगा। हालांकि पूजा एवं प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर सुबह 5 बजे से दिन भर के लिए खोल दिया गया है। मंदिर की तरफ से जन्माष्टमी में व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को फलाहार प्रसाद वितरण किया जा रहा है। मंदिर के तरफ से सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जूते चप्पल रखने की निशुल्क व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, शीतल जल, फल प्रसाद, शीतल हवा इत्यादि की व्यवस्था की गई है। आज अधिक भीड़ होने की उम्मीद है। महिला और पुरुष की अलग अलग लाइन में एंट्री हो रही है। मंदिर के बाहर भव्य मेला तैयार किया गया है, जिसमें तरह तरह की दुकानों को सजाया गया है। एक तरफ बच्चे तरह तरह के झूलों का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेले में तरह तरह के व्यंजन का लुत्फ लोग उठाते नजर आ रहे। कहते हैं जन्माष्टमी के दिन श्री गौरी मठ में श्री कृष्ण जी के दर्शन का अति विशेष महत्व है। श्रद्धालु श्री कृष्ण के प्रिय मोर पंख श्री कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं, तो वहीं माता पिता अपने बच्चों को श्री कृष्ण की वेशभूषा में सजा कर ले जा रहे हैं। बच्चों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से 11 बजे तक माँ देव की गर्भ स्तुति पाठ, ब्रह्म संहिता, दशावतार स्तोत्र पाठ इत्यादि कार्यक्रम के बाद भक्तों द्वारा श्री कृष्ण की रूप गुण लीला माधुर्य की सुमधुर कीर्तन, श्रृंगार आरती, अभिषेक इत्यादि लगातार चल रही है। जन्म उत्सव का यहाँ आयोजन किया जा रहा है, काफी भीड़ है, क्या व्यवस्थाएं की गई है? गौरी मिशन की पटना गौरी मठ का 90वां जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं। इसमें महिलाओं के लिए दर्शन के लिए अलग लाइन, पुरुषों के लिए अलग लाइन और पुलिस की व्यवस्था की गई है। और विशेष करके इस प्रोग्राम में जितने अच्छा तरह से मनाया जाए मनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और सुबह से लेकर के 5 बजे से लेकर के ठाकुर जी का दर्शन, कीर्तन तथा ठाकुर जी का आरती, पूजा सुचारू ढंग से किया जा रहा है। और विशेष करके रात को जो लोग भक्त लोग रहेंगे 11:30 बजे ठाकुर जी का महिमा में की कथा कीर्तन होगा और महाआरती होगा। महाआरती के उपरांत सभी को बैठा करके प्रसाद दिया जाएगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज लगभग 25,000 से ऊपर श्रद्धालुओं के आने की है। आज 2 दिन जन्माष्टमी मनाया गया, लेकिन आज भी करीब करीब 20-25 हज़ार लोग आने की उम्मीद रखे हैं।
करीब करीब 15-18 हजार आदमी आ चुके हैं। आज भगवान को 3 बार नए वस्त्र धारण कराए जाएंगे। पुनः भक्ति रसार महाराज जी के श्रीमुख से रात्रि 11 बजे से 12 बजे तक श्री कृष्ण जी के धराधाम पर अवतरण लीला रहस्य कथा सुनाया जाएगा। रात्रि को नए वस्त्र पुष्प आभूषणों से श्रृंगार महाअभिषेक अर्चन दिव्य आवाहन के बाद 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। रात्रि 12:15 में जन्म महाआरती का दर्शन होगा, जिसके बाद भक्तों में चरणामृत एवं फलाहार प्रसाद वितरण किया जाएगा।